न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा रोडवेज के परिवहन बेड़े में 550 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने और 950 सहकारी समिति की बसों को परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आज एक बार फिर प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साझा मोर्चा के बैनर तले किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे चुप नहीं बैठेंगे और आने वाली 10 सितंबर को रोहतक में मीटिंग कर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह सहकारी समिति की बसों को परमिट देकर सरकार इस महकमे को पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है, जिसे वे किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि 950 बसों को परमिट देने की बजाय इन बसों को परिवहन बेड़े में शामिल किया जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और यात्रियों को सुविधाजनक सुविधा यात्रा मिल सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये आज प्रोटेस्ट है, इसका किस उपलक्ष्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं परवीन यादव, सदस्य सांझा मोर्चा रेवाड़ी डिपो। आज का जो प्रोटेस्ट है 2 घंटे का, 10 बजे से 12 बजे तक। इसमें राज्य कमेटी द्वारा तय किया गया है, इसमें मुख्य मुद्दा सरकार द्वारा 550 जो इलेक्ट्रिक बसें ला रही सरकार, उनको रोडवेज के बेड़े में न देकर किलोमीटर स्कीम के तहत अपने पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, जिसका अपने मनमर्जी से रेट दिए जाएंगे और एक किस्म से हरियाणा राज्य को बर्बाद करने की स्कीम चल रही है। इसके विरोध में हम चाहते हैं कि सरकार इनको प्राइवेट पॉलिसी के तहत न लाकर रोडवेज के बेड़े में 550 के जगह 1000 बसें लाए। आज जो आपका विरोध प्रदर्शन है, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं? आज रेवाड़ी डिपो के सभी संगठन इसमें शामिल है। ये सांझा मोर्चा पर 11 यूनियन इकट्ठी है, राज्य लेवल पर सभी यूनियन इसमें शामिल है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या? हमारी बात नहीं मानी जाती है तो रोडवेज राज्य कमेटी 10 सितंबर को अपने रोहतक में मीटिंग करके आने वाले अगले आंदोलन का निर्णय लेगी। क्या नाम है आपका? मैं छवि कुमार, सांझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज सदस्य। आज जो ये 2 घंटे का आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? आज हमारा जो 2 घंटे का 10 से 12 का जो प्रदर्शन है, वह 750 परमिट देना सरकार प्राइवेट तो में, वह 550 जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं, वह कुछ समय पहले सरकार हरियाणा रोडवेज देने जा रही थी, आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और प्राइवेट ठेकेदारों को पूंजीपतियों के हाथ में रोडवेज बसों को दे दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, और उन्हें पर प्राइवेट ड्राइवरों का, जिससे बेरोजगारी की समस्या होगी, आम जन को परिवहन की सुविधा न होकर उन्हें भारी परेशानी का उठाना पड़ेगा। आम जन की समस्या को देखते हुए मंत्रियों द्वारा जो दबाव बनाया जाता है कि गांवों से बसों को जोड़ना, हर गांव से लिंक करना, ये इन सब को दूर करके एक प्राइवेट परमिट देना और ठेकेदारों को पूंजीपतियों को उभारना, ये सरकार की गलत नीति के विरोध में किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय यादव है जी। आज ये जो 2 घंटे का आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मुद्दा ये है जी, जो सरकार 550 इलेक्ट्रिक बसें ला रही है और 950 जो परमिट सहकारी समिति की दे रही है, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। ये हम नहीं चाहते कि सरकार इलेक्ट्रिक बसें पूंजीपतियों को दे, हम चाहते हैं सरकार महकमे में बसें शामिल करे, बेरोजगारों को रोजगार दे और पब्लिक को अच्छी सुविधा मिले।